लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने आज मुंबई का दौरा किया और मनपा द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे कोरोना उपचार इंतजामों का जायजा लिया। पालक मंत्री ने मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर के साथ कामोठे के MGM हॉस्पिटल का भी दौरा किया, जहां मनपा द्वारा 100 ICU बेड और 40 वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर आयुक्त ने पालक मंत्री को बढ़ते मरीजों के मद्देनजर मुंबई की ताजा जानकारी साझा की। इस पर पालक मंत्री ने सभी आरोग्य सेवाओं को तत्काल कार्यान्वित करने और नागरिकों के लिए शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। देखिए रिपोर्ट। राज्य के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने आज मुंबई का दौरा कर कोरोना हालात का जायजा लिया। मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर के साथ पालक मंत्री ने कामोठे के MGM हॉस्पिटल का भी दौरा किया, जहां मनपा ने 100 ICU बेड और 40 वेंटिलेटर क्षमता वाला हॉस्पिटल स्थापित किया है। मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने पालक मंत्री को मुंबई की वर्तमान स्थिति और प्रतिबंधात्मक उपायों की जानकारी साझा की। इस पर पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने उपरोक्त उपचार सुविधाओं को तत्काल कार्यान्वित करने और नागरिकों के लिए शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बताना जरूरी है कि वर्तमान में मुंबई मनपा ने नेरुल के DY पाटिल हॉस्पिटल में 200 ICU बेड के साथ 80 वेंटिलेटर सुविधा उपलब्ध कराई है, जहां सीरियस कोरोना मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद भी तमाम मरीज वेंटिलेटर और ICU बेड के इंतजार में हैं। अधिकारियों ने बताया कि अगले 3 दिनों में 70 नए ICU बेड उपलब्ध कराने की तैयारी है। मुंबई में 25 अप्रैल तक तमाम आरोग्य सुविधाएं नागरिकों के लिए क्रियान्वित हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।